रोजच्या ताज्या घडामोडींसाठी आवाज टीव्हीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा. गानकोकिळा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या दीदी म्हणजे लता मंगेशकर यांचं वयाच्या 93 वर्षी दुःखद निधन झालं. गानसम्राज्ञीच्या निधनाने गीतांमधील कोकिळेचा सुमधुर आवाज हरविला अशी प्रतिक्रिया खामगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार तथा भाजपा जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट आकाश पुणकर यांनी यावेळी देऊन शब्दसुमनाने आपल्या संवेदना व्यक्त केल्या. मैं राजेश भुतळा, मैं व्यापारी हूँ, मेन रोड पर किराना शॉप है, होलसेल रिटेल का. लता मंगेशकर जी जाने से ये देश की नहीं विश्व का नुकसान हुआ है. उनकी आवाज़ एक कोकिला बहन करके उन्हें संबोधित किया जाता है. मेरे ओर से मनपूर्वक श्रद्धांजलि. बहुत दुखद घटना. जब ये पता चला, मालूम हुआ कि लता मंगेशकर जी का निधन हुआ तो बहुत दुख हुआ. वो सुनते ही ऐसा लगा कि एक सुनहरी आवाज़ अपने देश से चले गई और पूरी दुनिया की मशहूर गायिका, जो पूरी दुनिया सलाम करती थी उनकी आवाज़ को, वो लता मंगेशकर जी. काल संध्याकाळी एक फार मोठी दुःखद बातमी समजली. भारताच्या कोकिळा लता मंगेशकर यांचं दुःखद निधन झालं. त्यामुळे पूर्ण भारतावर शोककळा पसरलेली आहे. मी ईश्वरचरणी एवढीच प्रार्थना करतो की आजपर्यंत जे लता दीदीचा आवाज कोणीही काढू शकलं नाही, तरी देवाला प्रार्थना करतो की आमच्या लता दीदीला पुनश्च गायक म्हणून जन्म द्यावा आणि त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो. आज बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोकिल कंठी हमारे भारत की, भारत रत्न और बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित हमारी सभी की प्रिय लता दीदी हमारे बीच नहीं रही है. आज उनके जाने से पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसा दुख की घड़ी आई है कि ऐसी एक आवाज़ जो आज हम देख सकते हैं, कभी अगर सोचा हमने कि भाई ईश्वर है या नहीं है, यह हम सोच सकते हैं है या नहीं है, लेकिन सूरज चांद ये तो है, सदैव रहेंगे. उसी प्रकार लता दीदी की आवाज़ जो है सदैव 24 घंटे, रात दिन हो, रात्र हो या दिन हो, 24 घंटे घूमती रहती है, पूरे दुनिया में घूमती रहेंगी और फ्यूचर में भी यह घूमती रहेंगी. यह उनके जाने से बहुत बड़ा दुख पूरे भारतवर्ष में हम सभी को हुआ है. उनके जाने से मैं कभी उनकी भरी जो कार्य है यह कभी भरे नहीं जाएगा. उनकी जैसी आवाज़ कभी नहीं आएंगी, ये सुशाश्वत है. आज की इस घड़ी में पूरा भारत शोक संवेदना व्यक्त करता है. उसी प्रकार हम भी हमारी तरफ से, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, पूरे जैन समाज की ओर से ईश्वर से यही कामना करते कि उनके आत्मा को शांति प्रदान हो, मोक्ष प्रदान हो और लता जी की याद सदैव हर किसी, छोटा रहो या बड़ा रहो, उसके दिल में संजोगे रहेंगे. अशा गान कोकिळेच्या जाण्याने केवळ चित्रपट सृष्टीतीलच नाही तर देशाची हानी झाली आहे. अनेक मान्यवरांमध्ये खामगाव येथील राजेश भुतडा, राजेंद्र नहार, सुनील ठाकूर, बाळापूर येथील अक्रम खान, मेंबर रमेश लोहकरे, अथहरभाई आदीने शोक व्यक्त करून श्रद्धांजली अर्पित केली. आवाज टीव्हीसाठी मोहम्मद फारूक, खामगाव, बुलढाणा.